Friends, here we are solving exercise 3.1. Okay, in matrix A, we have given matrix this. The first question is find the order of matrix. So, dosto, order of matrix kya hota hai? Row into column. Yahan pe row kitni hai? 1, 2, 3. To ye ho gayi row, to ho gayi 3. Column dekho, 1, 2, 3, 4. 3 into 4. Second question pe chalte hai. The number of elements. एलिमेंट्स ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? या तो आप ऐसे गिन लो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, मीन्स 3, 3+6, 9 और 12, ओके. और सीधा ही आप रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो, 3, 4 जा 12. थर्ड पार्ट पे चलते हैं, राइट द एलिमेंट a13 a12. वेरी इजी क्वेश्चन इट इज. a11 2 a12 5 a13 19 a14 -7. ये a11 को डिनोट करेगा, ये a12, ये a13, ये a14. सिमिलरली a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34. नेक्स्ट पार्ट. इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, सो 24 एलिमेंट्स, ओके, 24 विल बी मल्टीपल ऑफ रो इनटू कॉलम, ओके. सो सिंपली 6th to 7th लेवल कंसेप्ट, फाइंड एलसीएम ऑफ 24, ओके. 2 12 2 6 2 3 3 1, ओके. सो व्हाट विल बी द पेयर? पेयर 1 मल्टीप्लाई दिस एंड अगेन दिस 1 3, ये टू मेक पेयर, ओके. अगर हम पेयर बनाते हैं, एक बार तो 2 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और एक बार 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 6, और इसका जस्ट उल्टा भी होगा, 6 into 4, फर्स्ट सेकेंड. सिमिलरली एक बार तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 8 into 3, तो 3 into 8 भी होगा, है ना. अब देखते हैं एक बार हम सिर्फ, ठीक है, और एक होगा 3, 4 जा 12, एक ये भी होगा 5 12 into 2 and 2 into 12, ओके ना फ्रेंड्स. आप सोच रहे हो इसके बाद कुछ होगा नहीं, होगा, एक चीज़ और होगा. ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना. तो हम एक और बनाते हैं. देखिए, हम 24 into 1 भी तो कर सकते हैं, जिसमें एक रो हो या एक ही कॉलम हो. तो देखो 24 into 1 and 1 into 24, सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर इन विच दिस मैट्रिक्स कैन मेट. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली, सेकेंड क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर. वॉट इफ हैव 13 एलिमेंट्स, तो आप बताओ. सीधा बताता हूँ, इससे रिलेटेड है. देखो, हम 1 into 13 भी कर सकते हैं और 13 into 1 भी कर सकते हैं, ओके. ये आंसर होगा हमारा, ओके फ्रेंड्स. थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन भी सेम सेकंड जैसे ही है. अब हम यहाँ पे 18 के पार्ट करते हैं. 18 विल बी मल्टीपल ऑफ 2 into 3 जा 6 6 into 3 जा 18. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 into 3 3 जा 9 और 9 into 2, विच विल बी मल्टीपल ऑफ रो इंटू कॉलम, ओके ना. सो 2 into 9 and 9 into 2, और वी कैन राइट 6 into 3 और 3 into 6. सो 1 2 3 4, वन मोर विल बी लाइक दिस 24 ऑलरेडी. सी 1 into 24, सी 1 into 24 and 24 into 1, सो 3 into 6 6 into 3 and 3 into 6, सो वन मोर इज देयर, 18 into 1 and 1 into 18. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 4, 2 into 2 मैट्रिक्स. इसके अंदर हमको वेयर ए इज इक्वल्स टू ए आई जे. सिंपल सी बात है, 2 into 2 मैट्रिक्स है, मतलब दो तो रो है और दो कॉलम है, मतलब a11 a12 a21 a22, समझे ना. कुछ नहीं करना है, ये हमको फॉर्मूला देखा जैसे फर्स्ट पार्ट में, ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2. सीधा कुछ नहीं करना, a11 निकालना है तो ये i की जगह 1 पुट करना है और j की जगह भी 1 पुट करना है. सीधा निकालता हूँ, 1 plus 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 by 2 2,
ठीक है ना। सो ये a11 इज इक्वल्स टू 2, सीधा निकालते हैं a12, 1 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2, a21 2, ये भी होगा 9 बाई 2 सेम, क्योंकि 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2। ओके a22 निकालते हैं अब, a22 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8, सिंपल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 16 बाई 2 8। सो इसका आंसर होगा, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, अब इसका आंसर होगा 2, 9 बाई 2, 9 बाई 2 और 8, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ठीक है मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैट्रिक्स 2×2 है, a11 में क्या होगा, i1 होगा और j भी 1 होगा, 1 बाई 1 1, ठीक है। और a12 में क्या होगा, i होगा 1, j होगा 2, तो ये आ गया 1 बाई 2। और a21 में क्या होगा, i होगा 2 और j होगा, ये आ गया 2। और a22, ओके ना, a22 2 बाई 2, ये 1, ये हुआ सॉल्व, ये अपना आंसर। डायरेक्ट थर्ड करते हैं, थर्ड अगर हम देखें aij इज इक्वल्स टू i+2j का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। सो यहाँ पे i की वैल्यू पुट करो 1 और 2 की वैल्यू भी, j की जगह भी 1, तो 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। नहीं समझे आप, देखो कुछ नहीं करना है, ये हमारे ये है a11 a12 a21 a22। अगर a11 निकालना है तो ये हमेशा i की वैल्यू होती है और ये हमेशा j की वैल्यू होती है। सो हम सीधा देखें, सो i की जगह 1 पुट किया और j की जगह भी 1 पुट किया, तो 1 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, ये तो हुआ a11। सिमिलरली a12, ये हुआ i की जगह 1 पुट किया, 4 बाई 1, 2 जा 4, सो 1 प्लस 4, 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 2। हियरिंग ना। सो आगे देखो a21, अब i की जगह 2, 2 जा 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8, a22। फ्रेंड्स वेट, सिमिलरली फाइंड a22, अगर हम a22 देखें तो a22 के का हमें हमें दे रखा है a22 निकालने के लिए कि i+a22, अगर हम i की जगह 2 रखें 2 और इसकी जगह पे 2 रखें 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बाई 2 विच इज 18। सो हमारा आगे मैट्रिक्स, हमारी मैट्रिक्स हुई 9 बाई 2, ओके a12 इज इक्वल्स टू 25 बाई 2, दिस इज 8 एंड दिस इज 18, गेटिंग ना, दिस इज आंसर। ओके सो वी फाइंड फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट, इट इज सेम लाइक दिस 3×4 मैट्रिक्स, इट इज समवॉट हार्ड, आई विल गेट टाइम फॉर दिस। ओके फ्रेंड्स, दिस विल बी मैट्रिक्स, ये अपनी मैट्रिक्स होगी एस इस वेक्टर में। अब हमें फॉर्मूला दे रखा है, आई फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू, देखो ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर है -3i+j, ओके ना, ये हमारा है फॉर्मूला -3i+j। सो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, देखो थोड़ी मैथ स्ट्रॉन्ग करो। सो फ्रेंड्स हम सीधा देखते हैं, सीधा अगर हम वेव a11 है तो i की जगह 1 रखो, j की जगह भी 1 रखो, तो हमारे इधर आएगा क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 1, अगर आप सोल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 1 रखा -3 -3, और ये देखो मोड है, मोड मतलब अंदर को नेगेटिव आएगा तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर अंदर आ रही है हमारी वैल्यू -3 + 1 तो -2 - 2 बाहर आके +2 हो गया, 2 बाई 2 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो सेम अगर हम a12 निकालेंगे तो आएगा 1/2, अगर हम a13 निकालेंगे तो आएगा 0, अगर हम a14 निकालेंगे वो आएगा 1/2, अगर a21 निकालेंगे तो 5 बाई 2, अगर a22 निकालेंगे तो 2, अगर हम a23 निकालेंगे तो 3 बाई 2,
हम ए टू फोर निकाले तो ये होगा ए वन होगा, ठीक है ना। अगर हम ए थ्री वन निकाले तो ये होगा फोर, अब देख सकते हो। और अगर हम ए थ्री टू निकाले, थ्री टू मतलब आप देखिए इसकी जगह थ्री रखिए, माइनस नाइन, थ्री थ्री या माइनस नाइन प्लस जे इक्वल्स टू टू, माइनस सेवन बार आके प्लस सेवन, तो ये हो गया 7/2, 7/2। सिमिलरली ये होगा थ्री, थ्री के बाद ये होगा 5/2, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ब्रैकेट को हमेशा क्लोज रखना, अगर ब्रैकेट ओपन हो गया तो डिटरमिनेंट बन जाएगा जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।